एबीपीएस न्यूज ब्राह्मण जन कल्याण समिति अखिल भारतीय प्रधान आरक्षण मुक्त भारत के संयुक्त तत्वाधान में बलरामपुर के सैकड़ों सवर्ण वर्ग के लोग सरकार विरोधी नारे लगाते हुए शहर के रामलीला मैदान से पूरे बाजार को बंद कराते हुए वीर विनय चौराहे पर पहुंचकर सभा की और सरकार को चेतावनी दी कि सवर्णों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को अगर बंद नहीं किया जाता है तो इसके परिणाम घातक होंगे। मांग की गई है कि SC ST एक्ट को तत्काल वापस लिया जाए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां मौजूद रहा। पुलिस बल से बाजार बंद कराने को लेकर झड़प भी हुई। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश प्रमुख महासचिव सौरभ त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष राम नरेश त्रिपाठी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर तुलसीश दुबे, महामंत्री अमरीश शुक्ल, आरक्षण मुक्त भारत के संजय शुक्ल व शुभेंद्र गौरव, आर्य युवक परिषद के अशोक तिवारी, छात्र संघ के पूर्व महामंत्री प्रकाश दुबे, BDC भानु तिवारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष प्रशांत शुक्ल आजाद, प्रधान दिनेश तिवारी, प्रधान विश्वनाथ शुक्ल, इंद्रजीत शुक्ल, मुकुल पांडे, प्रवीण तिवारी, मीडिया सत्य प्रकाश शुक्ल, प्रभारी भानु तिवारी, मनोज तिवारी, आजाद तिवारी, राजा शुक्ल, करणी सेना के गौरव सिंह, अविराज सिंह, अभिषेक कसेरा, सत्य प्रकाश शुक्ल, नितिन मिश्रा, प्रफुल्ल मणि त्रिपाठी, रजत प्रकाश, सत्य प्रकाश तिवारी, नंद कुमार पाठक सहित सैकड़ों सवर्ण लोग मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि बाजार बंद का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल साबित हुआ। बलरामपुर से शैलेंद्र बाबू की रिपोर्ट।